गाइस वेलकम बैक। हम ले रहे हैं रीटेक। पिछली वीडियो मैंने पोर्ट्रेट में बना दी थी, तो स्टार्ट करते हैं। आज मैं इस गाड़ी के बारे में बताऊंगा आपको, सबसे पहले इसके चाबी के बारे में और इसके एड्रेनॉक्स ऐप के बारे में। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं चाबी की बात करूँ ना, तो चाबी में आते हैं हमारे तीन बटन। बहुत सिंपल सी चाबी है, बहुत मतलब बड़ी आपको सिंपल लगेगी, मतलब बेकार ही समझ लो इसे। एक आपको यहाँ पे फ्लिप करने का ऑप्शन आ जाता है, ऐसे फ्लिप कर लो, और बाकी आपका लॉक, आपका लॉक एक सेकेंड आपका इसमें आ जाता है, आपका लॉक करने का ऑप्शन, अनलॉक करने का ऑप्शन, और बीच में आपका आ जाता है सायरन या अलार्म बजाने का ऑप्शन। ठीक है, सबसे पहले मैं अगर इसमें लॉक बटन दबाऊंगा ना, गाड़ी रह हो जाएगी हमारी लॉक, और इसमें दबाऊंगा अनलॉक तो अनलॉक हो जाएगी। तो सबसे पहले इस गाड़ी को मैं करता हूँ लॉक, तो लॉक पे एक बार इंडिकेटर आएगा, सेकेंड बार करता हूँ अनलॉक तो दो बार इंडिकेटर आएगा, और ये लॉक कर दिया तो अब लॉक कर दिया। ठीक है, और बीच वाली चाबी को अगर मैं होल्ड करके रखूँगा ना, सपोज मैं, तो ये ऐसे सायरन बजाना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, बाकी अब इसको चुप चुप करने के लिए मेरे को फिर से लॉक बटन दबाना है। तो अब एक तो ये प्लेन वालों ने ना तंग कर दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये गाड़ी का अगर कोई एक सिंगल गेट खुला है ना, तो ये मेरे को रिमाइंड कैसे करेगी। तो इस पर ये मैंने खोल दिया, सपोज मैं ये पूरा ही खोल देता हूँ। ठीक है, ये पूरा ही खोल दिया मैंने कि खुला है गेट, है ना। तो सबसे पहली बात इस पर मैं अब दबाऊंगा लॉक बटन, तो मुझे गाड़ी बता रही है आपको कोई ना कोई गेट खुला है, तो उसको लॉक कर लो। अब ये चीज़ भी मेरे को बंद करनी है, तो इसमें ऑप्शन आता है, मुझे करना ही है। सपोज मैं इसको खोल के रख लेता हूँ, जैसे गाड़ी लॉक हो जाती है, ऐसा नहीं कि गाड़ी खुल जाती है, ह्यूंडई में ऐसा होता है कि खुली ही रह जाती है गाड़ी। खोल लेता हूँ कि आपको डाउट ना लगे। तो उसके लिए मेरे को अगर ये आवाज़ बंद करनी है ना, तो लॉक और अनलॉक बटन दोनों एक साथ प्रेस करने पड़ेंगे। तो इसको, तो अब ये हो गया। ठीक है, अब इसको लॉक दबाऊंगा ना, अब ये आवाज़ नहीं कर रही। अब मेरे को ये आवाज़ भाई चाहिए यार, कम से कम पता तो चलेगी खुला हो जाएगी। अब इसको दबा के रखता हूँ, अभी आवाज़ करेगी, सिंगल बार इसने टैप कर दिया। तो अब मैं फिर से लॉक बटन दबाऊंगा, तो चार बार ये टैप करेगी। अब मैं इसे वापस बंद कर देता हूँ, अब पूरी गाड़ी बंद हो गई है। ठीक है, अब इसके अलावा अगर मैं इस अनलॉक बटन को प्रेस करके रखूँगा ना, सपोज मैंने इसे प्रेस करके रखा, बस इंडिकेटर चला, गाड़ी भी खुल गई होगी भाई, सनरूफ भी खुल गया है। तो यही है इसमें, आपका लॉक दबा के रखोगे तो इसका सनरूफ भी खुल जाएगा। ठीक है, और अगर ये Z8 या Z8 लग्जरी होता, तो उसके साथ हमारा ये और ये वाला शीशा भी अनलॉक खुल जाता मतलब। और अब ये बोलोगे कि ठीक है, हमें गर्मी लग रही थी तो हमने गाड़ी ठंडी कर ली, अब मेरा प्लान नहीं किया मैं गाड़ी में आऊँ, तो मैं उसे वापस बंद कैसे करूँ। कुछ नहीं करना भाई, फिर से चाबी लो, लॉक बटन दबा के रखो, और ये लॉक हो गई। बाकी अब ना मेरे को ये चीज़, ठीक है आप कहीं आसपास यहाँ बैठे हो सपोज, तो आपने यूज़ कर लिया, क्योंकि अगर आप घर पे बैठे हो, कहीं और बैठे हो, तो इसकी रेंज इतनी, इस चाबी की ना इतनी कुछ खास नहीं है कि आप इसको ढंग से यूज़ कर पाओ। तो इसलिए महिंद्रा ने इसके साथ एड्रेनॉक्स के कनेक्टेड फीचर्स दिए हैं, जिससे आप अपने फ़ोन के थ्रू भी काफ़ी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ, आपको फ़ोन ले आता हूँ। आ गए हैं, ये हमारा दूसरा फ़ोन आ गया, ये हमारा एड्रेनॉक्स आता है ऐप, इसमें आप देख सकते हो हमारा ऐसे एड्रेनॉक्स ऐप आता है। तो इसमें एड्रेनॉक्स ऐप ऐसे इंटरफेस है इसका। तो सबसे पहले ना इसकी ब्राइटनेस बढ़ा दूँ, ब्राइटनेस बढ़ा ही देता हूँ, चलो यहाँ छाँव में आ जाते हैं। ठीक है, आपको मैं इस व्यू से बताता हूँ, ये है हमारा एड्रेनॉक्स ऐप। तो अब ये काम कैसे करता है, ठीक है, सबसे पहले ये आपको बता देगा आप कौन सी लोकेशन पे हो। सपोज़ यहाँ, अभी तो मैंने अभी डाउनलोड किया था, अलाउ कर देता हूँ, तो यहाँ हम इधर हैं, तो यहाँ की लोकेशन दिखा रहा है। ठीक है, तो ये जहाँ भी होगा वहाँ की लोकेशन बता देगा। आप सपोज़ यहाँ से मेरे को हॉर्न एंड ब्लिंक दबाना है, यहाँ से मेरे को गाड़ी कहाँ खड़ी है वहाँ की गेट डायरेक्शंस आ जाएगी। सपोज़ मेरे घर पे कोई है, उन्हें ढूंढना है मेरी गाड़ी कहाँ है, तो वो गेट डायरेक्शंस करके वो गूगल मैप्स पे थ्रू हमें यहाँ ले आएगा। सेकंड हमारा आ जाती है रेंज, गाड़ी में रेंज कितनी है। सबसे पहले आ जाती है इसमें रीसेंट, कि हमने अभी तो रीसेंट में कुछ नहीं कहा, मंथ में बहुत होंगे, मंथ में अभी फ्यूल के आ नहीं रहे, शायद कोई ग्लिच है, कस्टम भी है थोड़ा ग्लिच है शायद, ग्लिच ही तो रहते ही है भाई, महिंद्रा थिंग में थोड़ी ग्लिच वगैरह तो रहते ही हैं, फ्यूल लॉग्स वगैरह वगैरह। और सबसे अगर मैं इसकी बात करूं, बैक आ जाओ, यहाँ से हम SOS के थ्रू कॉल भी कर सकते हैं,
यहाँ आ जाता है हमारा बेल नोटिफिकेशन बेल का ऑप्शन, यहाँ हमारे अलर्ट्स आते हैं। सपोज़ मैं कोई गाड़ी भी खोलूँगा तो मेरे को ऊपर सब हेडर्स हर फ़ोन पे आपके हेड्स आ जाते हैं कि गाड़ी मेरी खुल चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है, गाड़ी में सीट बेल्ट नहीं लगाई बंदे ने। आप इसमें सेट भी कर सकते हैं बहुत चीज़ें, नोटिफिकेशन अलर्ट्स ये सारे उसी के पार्ट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ आ जाता है हमारी ट्रिप्स, ट्रिप्स पे देख सकते हो आप यहाँ पर, मैं ट्रिप्स वाला दिखा नहीं रहा, थोड़ी लोकेशन वगैरह हर चीज़ की दिख जाएगी। सेकंड अगर मैं यहाँ थ्री बार्स में आऊँगा, यहाँ पर आ जाएगा जो कि गाड़ी के ओनर है उनका, जो यहाँ नाम आ रहा है, और यहाँ है हमारी गाड़ी, गाड़ी के बाद है जो हम यूज़ कर रहे हैं, और ये हमारा अकाउंट है, ये अलर्ट, हम कॉन्फ़िगरेशन वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ ना थोड़ी पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन अपलोड हो जाती है। अगर मैं सब्सक्रिप्शन में जाऊँ ना इनके, तो ये हमसे ओ कम हो गए, वैसे ये 5,000-6,000 रुपये मांग रहे थे हमसे वो करने के, पर अब 2,500 का रखे हैं इन्होंने, देख सकते हो आप। देखते हैं, अभी तो हमारा काफ़ी टाइम पड़ा है, 12 जून तक पड़ा है, एक्टिव है, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। माई SUV इन्फो मैं देख लेता हूँ, कुछ पर्सनल आ जाए, क्योंकि आजकल ना बहुत डिटेक्टिव घूमे रहते हैं तो उनको छोटी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। कुछ नहीं था उसमें, गाड़ी का था कि हमने कब ली है, कब वो करी है वगैरह वगैरह, मतलब अच्छी UI काफ़ी अच्छा है आपका, ठीक है। तो इसमें आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी कर सकते हो अपने, या स्मार्ट होम आपके घर में अलेक्सा लगा तो शायद गाड़ी स्टार्ट भी कर सकते हो, पर इसका मैं आपको बाद में बताता हूँ। यहाँ आप कैलेंडर के थ्रू ट्रिप सेट कर सकते हो, रोड असिस्टेंस सेट कर सकते हो, यहाँ टोल डायरी आ जाती है, महिंद्रा फॉर यू सब्सक्रिप्शन सेटिंग्स वगैरह, और इसमें अलर्ट कॉन्फ़िगरेशन में आप अपनी पर्सनलाइज ID वगैरह, इसमें 80 के बाद स्पीड, वो मैंने यूज़ किया है, काम तो किया नहीं था भाई, वही है कि ऐसा थोड़ा होता, तुम दिखाने के लिए फीचर देते हो भाई, काम भी तो करना चाहिए। तो अगर यहाँ आ जाती है हमारी ट्रिप्स की हिस्ट्री, इसमें ऊपर ऊपर से दिया, अगर मैं इस पर जाऊँगा ना तो ये हमें पूरा नॉलेज दे देगा, आपकी गाड़ी कितनी चली, आपकी गाड़ी ने कितनी माइलेज वगैरह दी, हर चीज़ बता देगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव डिस्प्ले है। और अब आते हैं हम इस पर रिमोट कंट्रोल पे भाई, तो ये आ जाता है हमारा रिमोट कंट्रोल, देखो गाइस, ये देखो पागल पागल रहेंगे, देख रहे हो आपने, और आ रहे हैं ऐसे गाइस, ऐसों को पालना पड़ रहा है। तो ये हमारा बता देता है, हमारी गाड़ी ऑल चेक कर देता हूँ, तो ऑल चेक आ जाती है, हमारी गाड़ी इतनी चल चुकी है, अभी सब गाड़ी के ऑफ है, यहाँ दिखा रहा है। अब मैं इसको स्वाइप इधर करूँगा ना तो अब ये मेरी गाड़ी से कनेक्ट होने लग जाएगा, अभी रिमोट कंट्रोल बन जाएगा। इसमें ना हम गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर देते हैं, और सबसे पहले मैं अगर बताऊँ स्टार्ट करने की, स्टार्ट ये नहीं होगी क्योंकि ये मैनुअल गाड़ी है, ऑटोमेटिक होती तो ये गाड़ी हमारी स्टार्ट भी हो जाती। अब ये ना कितना भी टाइम ले सकता है, अपनी मर्जी से टाइम लेता है, कभी जल्दी हो जाता है, कभी लेट हो जाता, कभी जल्दी होता है, अपनी मर्जी से होता है भाई, कभी भी इसका कोई भरोसा नहीं है। तो इसको होने देते हैं, मैं वीडियो तब कंटिन्यू करता हूँ। हमारा चालू, ये ऑलमोस्ट 1 मिनट ही लगाता है और इसने अभी भी 1 ही मिनट लगाए हैं, ठीक है। सबसे पहले विंडोज़, इसमें मैं बता रहा हूँ ना, आप Z8 वगैरह लोगे तो उसमें आपको विंडोज़ भी रोल डाउन रोल अप कर सकते हो। अगर ये बीच में अगर ऑटोमेटिक होता तो यहाँ दबा के आप गाड़ी भी स्टार्ट कर पाते। क्लाइमेट सेटिंग, गाड़ी स्टार्ट होकर ना हमारा AC वगैरह ऑन हो जाता है। सेकंड आता है हमारा हज़ार्ड लैंप्स, गाड़ी के आप हज़ार्ड लैंप्स भी ऑन ऑफ कर सकते हो, जैसे मैं इस पर दबाता हूँ, अब ऑन करने हैं मेरे को, ठीक है। मेरे से पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड डाल लेते हैं हम जल्दी जल्दी, ये मैंने डाल लिया इसका पासवर्ड। अब ये गाड़ी का आप देख सकते हो हज़ार लैंप्स ऑन हो गए हैं, काफ़ी क्विक है। अब मैं इसको यहीं से ऑफ़ भी कर देता हूँ, ठीक है, मेरे को ऑप्शन भी आ गया आपके 1,000 लैंप्स ऑन हुए हैं, तो मैं इसको ऑफ़ करता हूँ। अब शायद ये पासवर्ड नहीं मांगे, ऑफ़ कर दिया, और ये आप देखो ये हो गया आपके ऑफ़, ठीक है। ठीक है, अब आ जाता हम सेंटर लॉकिंग, खोल भी सकते हैं गाड़ी को। अब मैंने अनलॉक किया, अब ये देखो गाड़ी हो गई अनलॉक, शायद एक बार पासवर्ड लगाओ तो चलता रहता है, ठीक है। अब मैं लॉक भी कर देता हूँ वापस, ये हो गई हमारी लॉक, वजह हो गई, ठीक है। सेकंड आ जाता है हमारा, यहाँ से आप हॉर्न एंड ब्रेक भी दबा सकते हो, सनरूफ भी खोल सकते हो। हेडलैम्प खोल के दिखाता हूँ आपको, ये कर दिए मैंने ऑन, हेडलैम्प हो गए हमारे, वजह एक सेकंड, पंगेबाजी तो करने में मज़ा आता है इस गाड़ी को, इसमें तो कोई दोहराए नहीं है, शायद इंटरनेट इशू हो रहा है, ऑन नहीं हो रहा यार, ऐसे हो जाता था, छोड़ो। हॉर्न एंड ब्लिंक पे दबाता हूँ, हॉर्न एंड ब्लिंक पे दबाया, अब ये गाड़ी पाँ वगैरह स्टार्ट कर देगी। अब मैं इसको बंद भी कर देता हूँ, बंद भी हो गया है यहीं से, ठीक है। अब मेरे को गाड़ी का सनरूफ खोलना है, वैसे इसका हेडलैम्प वाला चल जाता है, सनरूफ खोला मैंने, ये देखो सनरूफ भी खुल रहा है बढ़िया तरीके से। अब मेरे को बंद करना है इसको, तो यहाँ पर देख लो खुल चुका है बढ़िया, ये ऐप ना पंगेबाजी कर रहा है, देखो यहाँ पर अभी भी लोड दिखा रहा है, हो चुका है सनरूफ हमारी अभी भी खुली है। यहाँ पर मैं जाऊँगा सनरूफ पे, सनरूफ को मैं कर दूंगा क्लोज, ठीक है, क्लोज कर दिया। अब हमारी
सनरूफ और ये क्लोज भाई, ये कमांड ले लेता है और यहाँ पर लोड होता है वो, जो कि ठीक है, कम से कम वो हो तो रहा है। कभी ये बहुत यूजफुल चीज़ है। कभी कभार हमारी गाड़ी नीचे खड़ी होती है, चाबी होती नहीं। सबसे बढ़िया कि गाड़ी खुल तो जाती है कम से कम। तो ये और बाकी सबसे बेस्ट है इसका, आप गाड़ी ट्रैक कर सकते हो, जियो फेंस कर सकते हो, इसको सेट कर सकते हो अगर आप किसी को गाड़ी दे रहे हो कि इतने दायरे के अंदर जाए, बाहर ना जाए। काफ़ी फीचर हैं। ठीक है, अब मैं हेडलैम्प वाला लास्ट बार ट्राई कर लेता हूँ, ऑन करते हैं। मैं ऑफ पे तो नहीं दबा रहा था पहले, नहीं यार कोई दिक्कत आ रही है, हो नहीं रहे। हाँ लिखा भी आ रहा है, वो अनसक्सेसफुल था। इतना ज़्यादा बोल के ना काफ़ी चीज़ें अटक जाता है ना, तो होता है, पर अभी दिक्कत आ रही है। ठीक है, और मेरे को आपको चाबी में भी एक चीज़ और दिखानी थी, और कुछ बचा तो नहीं है इसमें, इतना ही है इसमें। मैं अगर अलर्ट कॉन्फ़िगरेशन में जाऊँ तो मैं यहाँ पर अलर्ट कॉन्फ़िगरेशन में जाऊँगा, जियो फेंस कर सकता हूँ, वही जो मैंने आपको बताया था, लिमिटेड डिस्टेंस में आप गाड़ी रख सकते हो। रूट डेविएशंस है, टाइम फेंस है कि हमने ज़्यादा टाइम के लिए तो दी नहीं। रूट डेविएशंस में अगर मैं जाऊँ तो मैक्सिमेट कैनिग्रेटेड, शायद ये रूट है कि हम अगर रूट कभी भी गाड़ी का चेंज हो, पर्सनलाइज सेफ्टी पे भी जा सकता हूँ मैं यहाँ पर। हम मैं बताया था ना आप, जैसे हर गाड़ी में अलर्ट का सिस्टम अलग अलग होता है, तो इसमें आप आवाज़ चेंज कर सकते हो। मैंने ट्राई किया था पर हुआ नहीं था। तो अलर्ट की ग्रीटिंग भी है, पर्सनलाइज ग्रीटिंग, ठीक है, इसे इनेबल कर सकते हैं। ये वही चीज़ है भाई, काम नहीं करती है ढंग से ग्रीटिंग। आपको मतलब आपको गाड़ी में एंटर करोगे तो आपको किस हिसाब से ग्रीट करेगी। ओवर स्पीड का मैंने ऑफ कर रखा तब भी आता है भाई, समझ नहीं आ रहा इसका क्या करूँ। इंजन आइडलिंग भी 10 मिनट्स तक दे रखी है, पार्क लैम्प भी इसमें आप ऑन कर सकते हो। ये सब मतलब हर चीज़ का जो अलर्ट है वो आपके फ़ोन वगैरह पे सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हो गया। और जो एक चीज़ बची थी ना गाड़ी के बारे में, वो ये है, आप चाबी से इसकी लाइट ऑन ऑफ कर सकते हो। तो सबसे पहले ये आपकी चाबी थी ना, आप इसको लॉक कर दिया मैंने। अब मैं इसको एक बार प्रेस करूँगा और फिर से प्रेस करूँगा, भाई दिक्कत आ रही है। हाँ तभी इसकी लाइट ना दिक्कत ऑन नहीं हो रही थी उस टाइम भी, वरना मैं आपको बता दूँ ये गाड़ी की लाइट्स ऑन हो जाती हैं, एक हाई बीम जल जाती है जिससे आपको कभी कभार जा रहे हो ना तो क्लियरिटी रहे रास्ते की, तो इतनी दिक्कत ना आए। तो अगर मैं दो बार लॉक बटन दबाऊँगा तो भी लाइट ऑन हो जाएगी, दो बार लॉक बटन दबाऊँगा तब भी लॉक हो जाएगी, और एक बार दबाऊँगा तो बंद हो जाएगी। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। होप कि आपको कोई डाउट ना हो, कोई कुछ और पूछना हो तो पूछ लेना। तो बाकी इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। थैंक यू यार सो मच।